विद्यार्थी मित्रों का शहीद स्मारक जयपुर में धरना। अलवर अखिल राजस्थान वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक के प्रदेश कार्यकारिणी संगठन मंत्री संजय जोशी, सीकर जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह तंवर, महेश पारिक, राजू शर्मा, टेकचंद बजरंग व अन्य सैकड़ों वंचित कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा ये अपील की गई कि वंचित विद्यार्थी मित्र अपने हक और रोजगार को पाने के लिए मांग पत्र सौंपा है, जिसमें कि वंचित विद्यार्थी मित्रों को संविधान नियमों में शामिल कर उन्हें भी रोजगार की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ का मांग पत्र में ये मांगे प्रमुख है। शिक्षा सहायक भर्ती 2013 को आंशिक संशोधन के साथ रीओपन करे या अन्य इसके समकक्ष स्थायी भर्ती निकाल कर वंचित विद्यार्थी मित्रों को उसमें शामिल करे। 6000 ग्राम पंचायत सहायक की पोस्ट बढ़ाकर पंचायत सहायक भर्ती की जाए। पूर्व में कार्य 6000 वंचित विद्यार्थी मित्रों के पूर्व राज के अनुभव को मानते हुए संविदा सेवा नियमों में शामिल किया जाए। 30 अप्रैल 2014 तक कार्य करने वाले वंचित विद्यार्थी मित्रों को सेवा नियमों में शामिल किया जाए। हाँ सर, जैसा कि हम कई दिनों से देख रहे हैं कि वंचित विद्यार्थी मित्र पिछले 7 सालों से रोजगार की बाढ़ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ काम नहीं किया और काफी समय से लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि काफी संख्या में यहाँ मित्र आए हुए हैं, कम से कम हजारों की संख्या में मित्र हैं, वो इस धरने बैठे हैं। आओ इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इनकी क्या मांग है। हाँ सर, अपना नाम और बताइए आपकी क्या क्या प्रमुख मांगे हैं। मेरा नाम विजेंद्र सिंह तंवर, नेमका थाना, जिला सीकर, वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संगठन। और हमारी मांग यह है कि जो 2017 से पंचायत सहायक भर्ती से वंचित रह गए, ऐसे 7000 वंचित विद्यार्थी मित्र आज धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये नौबत इसलिए आई क्योंकि पूर्व में 24163 विद्यार्थी मित्र सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे थे। उनमें से 2017 में पंचायत सहायक भर्ती में 60% विद्यार्थी मित्रों का चयन हुआ है। बाकी उनके अनुभव को दरकिनार करते हुए, सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, अपने मन चहेतों को नौकरी देने के लिए अनुभव रहित व्यक्तियों को इस पंचायत सहायक भर्ती में शामिल किया गया। अच्छा, ये बताइए सर, आपकी प्रमुख और मेन मांग बताइए जो आप सरकार से पूरी करवाना चाहते हैं। हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हमारे 7000 वंचित विद्यार्थी मित्रों के अनुभव को प्राथमिकता देते हुए संविदा कैडर में शामिल किया जाए, जिन्होंने 30 अप्रैल 2014 तक कार्य कर चुके सरकारी विद्यालयों में, उनको प्राथमिकता दी जाए। रिपोर्ट सुखराम मीणा, जयपुर।